हेलो फूडीज, वेलकम टू मिस कुकिंग। शौकानी वीडियो लेके आ गए आप लोग के लिए। आज हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे आप तक ये सारी वीडियो पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ले लेना है आधा किलो गाजर। गाजर को हमें अच्छे से पील आउट कर लेना है। पील आउट करने के बाद हमें अपने गाजर को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद हमें कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमें डाल देना है 2 टीस्पून घी। घी गर्म होने के बाद हमें उसमें डालना है थोड़े से चॉप ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को हमें थोड़ा सा सॉटे कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स हमारे रेडी हैं, फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और ड्राई फ्रूट्स को अपने कटोरी में निकाल लेंगे। वापस से वही कढ़ाई में हमें 2 टीस्पून घी और डाल देना है। घी गर्म होने के बाद हमने जो गाजर कद्दूकस करके रखे थे उसको ऐड कर देना है और गाजर को हमें अच्छे से चलाते रहना है। एटली 7 to 8 में चलाने के बाद हमें 1 ग्लास मौजूद ऐड कर देना है। 5 मिनट हमें इसको फिर से सॉटे कर लेना है अच्छे से। फिर हम अपनी कढ़ाई को लेट से कवर कर देंगे। अब हमें लिड को हटा लेना है और अपने गाजर को हमें चलाते रहना है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप शुगर। 1/2 टीस्पून हम लोग इसमें ऐड करेंगे कार्डमम पाउडर। अब इसमें ऐड करने के 1/3 कप खोया। अब जब हमने ड्राई फ्रूट सॉटे करके रखे थे उसको भी ऐड कर लेंगे। खोया और ड्राई फ्रूट को हमें गाजर में अच्छे से मिक्स कर लेना है और गाजर को चलाते रहना है जब तक वो ठीक ना हो जाए। वन टी एस पी हमें घी और ऐड कर लेंगे गाजर में। तो हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और ट्रांसफर कर लेंगे बोल में हम लोग। गार्निशिंग के लिए हम लोग ऊपर से थोड़ा सा ऐड कर लेंगे खोया। और थोड़ा सा हम लोग उसमें ऐड कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स।
तो बस हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया, अब इसको एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इस विंटर इसको बना के जरूर ट्राई करेगा, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।